दोस्तों, मैं शमीम, आप देख रहे हो साजी मल्टीमीडिया यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे हमारा पास जो है पावर टेक का जो हमारा CFL लाइट। तो इसमें हमारा क्या है, हमारा तो बल्ब जल रहा है, तो देखिए ये हमारा बल्ब जल रहा है, हमारा UPS भी ऑन है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा ये देखा देखिए हमारा ऑफ हो जाएगा। अभी ये देखिए ऑफ हो गया, हमारा लो बैटरी दिखा दिया, लेकिन इसमें हमारा कोई बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है और हमारा जो UPS का जो UPS सेक्शन है उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा जो इसमें प्रॉब्लम है वो हमारा जो पावर सेक्शन है मेन, उसमें हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको किस तरह से पता चला, इधर पहले हमारा जो फ्यूज था ये हमारा कट चुकी थी, तो हमने इसको इधर जो हमारा फ्यूज होल्डर है इसमें हम खुलकर इसको चेंज किया। तो जैसा ही हमने इसको लाइन पर डाला तभी हमारा फ्यूज उड़ गया। तो हमारा जो हमारा जो इसमें हमको जो पता चला, उसमें जो आपका पावर सेक्शन है, पहले जो आपका जो पावर घुसता है, जो डायोड वगैरह है, डायोड एनटीसी वगैरह है, उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो हम इसको पहले खोलेंगे और देखेंगे इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसको ऑफ करेंगे। इधर जो हमारा पावर केबल है उसमें हम पावर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही लगा रहा है वहाँ हमारा जो फ्यूज भी उड़ रहा है और हमारा जो मेन में हमने जो MCB लगाई वो भी ट्रिप कर दे रहा है। पहले जो हमारा स्क्रू लगा हुआ है इसको हम खोलेंगे और इसी का जो प्रॉब्लम है वो आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए हमने इसको बोर्ड को खोल लिया, तो हम इसको क्या करेंगे, हमारा जो जैक है सारे जैक को ओपन कर लेंगे। तो इधर हमारा जो जैक है वो हमने ओपन कर लिया, तो हमारा जो सोलर से होने वाली जो हमारा चार्ज होने वाली जो वायर है उसको हम कट कर देंगे और हम इस समय हमारा जो हम साइड में रखेंगे और हम इसको चेक करेंगे। ये हमारा कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, तो ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में हमारा जो बाजार की रेंज में हम रखेंगे मल्टीमीटर को और इसमें हम इसको हम चेक करेंगे। तो ये हमारा डायोड है, चार डायोड के ऊपर ही हमारा डाउट है, तो हम पहले जो चार डायोड है इसको हम चेक करेंगे। इधर देखिए हमको 00 वैल्यू बता रहा है दोनों साइड में। डायोड का जो खासियत है वो है, एक साइड में आपको वैल्यू दिखाएगा, एक साइड में कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसमें दोनों साइड में ही 00 बता रहा है, इसका मतलब हमारा जो इधर हमारा चारों डायोड है वो डायोड हमारा खराब हो चुकी है। चारों डायोड में हमारा जो एक डायोड है इधर आखिरी में
वो डाइट सही है और हमारे जो तीनों डाइट है तो हमारे तीन डाइट खराब है, तो हम क्या करेंगे उसी डाइट को भी हम चेंज कर देंगे, जो हमारे एक जो सही है उसको भी चेंज करें। हमारा चारों डाइट का सेट है उसको हम ब्रिज बने हुए है तो हम चारों को ही चेंज कर देंगे। आपको इधर नेगेटिव पॉजिटिव देखकर आपको लगाना है। इधर हमारा कैपेसिटर माइनस में हमने इधर जो हमारा प्लेन साइड है उसमें हम लगाएंगे, जो हमारा व्हाइट वाला जो पट्टी है डायोड में वो हमारा पॉजिटिव है। हमने चारों डायोड को चेंज कर दिया, उसके बाद हम इसको डायोड का जो वैल्यू है वो हम देखेंगे। ये देखिए एक साइड में दिखा रहा है, हम अब घर मल्टीमीटर की प्रॉब जो है उसको हम घुमाएंगे तो इधर देखिए वैल्यू नहीं दिखा रहा है, दूसरी डाइट पर जाएंगे इधर देखिए वैल्यू दिखा रहा है, और हम मल्टीमीटर की प्रॉब को घुमाएंगे इधर देखिए वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तीसरी डाइट पर वैल्यू नहीं दिखा रहा है, फिर से घुमाएंगे इधर देखिए 520 ओम्स इधर देखिए वैल्यू दिखा रहा है, फिर से हम मल्टीमीटर को घुमाएंगे प्रॉब को इधर देखिए हमारा वैल्यू नहीं देखिए। यह हमारा डायोड का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया, और इधर हमारा जो कैपेसिटर है उसको हम चेक करते हैं कि हमारा डायरेक्टली शॉर्ट हुई है कि नहीं, तो हमारा कैपेसिटर भी सही है। तो इधर जो हमारा एनटीसी है, एनटीसी तो हमारा फटी हुई है, एनटीसी के बिना तो हमारा वोल्टेज आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, तो हम एनटीसी को भी चेंज कर देते हैं। एनटीसी को चेंज कर दिया, जो पुरानी वाली थी उसको तो उधर से बोर्ड से हमने निकाल लिया और हम इधर लगाएंगे एनटीसी 10D9। देखिए हमने उसको सोल्डरिंग भी कर दिया, हमारा अभी टेस्टिंग का बाद है, तो हम फिर से हम बॉडी में इसको लगाएंगे स्क्रू वगैरह हम नहीं लगाएंगे, फिर जस्ट हम जैक को लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। बैटरी को जो हमारा माइनस में माइनस लगाएंगे, प्लस में प्लस लगाएंगे, और हमारा जो इंडिकेटर के जो वायर, हम इंडिकेटर की वायर का जगह ही हम लगाएंगे, और ये हमारा जो पावर इनपुट न्यूट्रल और आउटपुट की वायर उधर ही हम लगाएंगे, और ये जो हमारा चार्ज जो हमारा सोलर की जो वायर था इसको हम नहीं लगाएंगे, इसको हम
उधर से काट देंगे क्योंकि ये तो सोलर से चार्ज नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पावर केबल है। पावर केबल को हम इधर पहले हम सीरीज लाइन से डालेंगे। तो इधर देखिए ये हमारा बोर्ड है, तो ये हमारा सीरीज लाइन है, उधर हमारा सीरीज बल्ब है 200 वाट का। तो पहले सीरीज लाइन में डाला, तो इधर जो हमारा पावर इंडिकेटर आ रहा है, चार्जिंग इंडिकेटर, वो जल रहा है। ठीक है, ये तो सल्फ हो गया, नहीं हमारा इधर शॉर्ट होता तो हमारा जो बल्ब है वो जल जाता। तो हम इसका हम क्या करेंगे, अभी पैरेलल में डालेंगे और देखेंगे। ठीक है, इधर देखिए पैरेलल में भी डाल दिया, ये हमारा चार्जिंग भी हो रहा है, हमारा पावर भी दे रहा है। तो हम बल्ब लगा के देखेंगे कि हमारा जलता है कि नहीं जलता है। तो इधर देखिए हमारा लाइन पे भी हमारा बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो हमें आज अभी हमारा इधर देखिए पावर केबल को खोल लिया, तो हमारा बैटरी में चलने लग गया। और हमने जैसे ही हमने पावर दिया तैसे हमारा पावर में चलने लग गया। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलता हूँ दूसरी वीडियो पर।